एबीपी गंगा महापंचायत में संजय गंगवार साहब, गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार, और संजय सिंह गंगवार साहब जो है पीलीभीत से हैं, गन्ना बेल्ट से हैं, और ऐसे में सवाल ये हो रहा है कि पीलीभीत के ही बहुत सारे समाजवादी पार्टी के विधायक यहां आए और उनका ये कहना था कि गन्ना मंत्री के जिले में ही गन्ना किसानों का गन्ना का पैसा भुगतान नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं एबीपी गंगा की इस महापंचायत के इस कार्यक्रम को आपने हमारे रोलखंड में रखा, मैं पूरी टीम को, पूरे एबीपी परिवार को बधाई दूंगा। दूसरे, जहां तक आपने सवाल किया कि समाजवादी पार्टी के विधायक, हमारे जनपद पीलीभीत में कोई भी समाजवादी पार्टी का विधायक नहीं है। मंडल की बात, जहां तक मंडल की मैं बात करूं, हमारे पीलीभीत में मिले ऐसी हैं कि जिनके 100% पेमेंट भी हो गए हैं, और जितना गन्ने का भुगतान 2017 से लेकर के 2022 और 2022 से लेकर के अब तक हुआ, उतना भुगतान पिछले 2017 से पहले 12 से 17 और 7 से 12 दोनों का अगर मिला लेंगे तो उतना भुगतान नहीं हुआ। अच्छा, आपके जो सांसद हैं वरुण गांधी साहब, वही आरोप लगाते हैं कि गन्ना किसान जो है दुखी हैं, उनका भुगतान नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनके आरोप पर क्या कहें? इसके लिए हमारे उनके बयान को हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देख रहा है, वो मेरे उसका विषय नहीं है। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो रहा, तो आज के समय में उत्तर प्रदेश में हम लगभग 85% से ज़्यादा गन्ने का भुगतान कर चुके हैं, जो पिछली सरकारों में इतना भुगतान नहीं हुआ। क्या वरुण गांधी जी का मन नहीं लग रहा है क्या पार्टी में, इस तरह का बयान दे रहे हैं? और वरुण गांधी जी का मन तो वरुण गांधी जी जाने, उनका मन मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। अच्छा, अगर इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के सांसद का बयान आएगा तो 24 में रिजल्ट क्या रहने वाला है? 80 का 80 लक्ष्य है आप लोगों का? 24 में परम पूज्य प्रधानमंत्री जी और परम पूज्य माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ मिलकर के 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने वाले हैं। ऐसी कौन सी रणनीति आप बना रहे हैं बरेली मंडल के लिए? देखिए, बरेली मंडल के लिए बहुत कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी की 2017 से लेकर 2022 वाली जो हमारी सरकार थी। मैं अपने जनपद की बात करूं, पीलीभीत जनपद में मेडिकल कॉलेज नहीं था, मेडिकल कॉलेज हमारे यहां बन रहा है। पीलीभीत में 2017 से पहले का पीलीभीत और 2017 के बाद का पीलीभीत, यहां इतने सारे श्रोता बैठे हैं और आपके चैनल के माध्यम से सब लोग पूरा उत्तर प्रदेश सुन रहा है और पीलीभीत को लगभग लोग जानते हैं, बहुत फर्क है, बहुत बदलाव है, नौजवानों के हित में भी काम हुआ। और जहां तक मैं बरेली की बात करूं, पूरे बरेली जनपद की, पूरे अपने बरेली कमिश्नरी की, तो कोई ऐसा जनपद नहीं है कि जिस जनपद में काम नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि पहले चौपले पे कितना जाम होता था, फ्लाईओवर नाम की बरेली में कोई चीज नहीं थी, लेकिन 2017 से 22 के बीच में बरेली के अंदर फ्लाईओवर हैं, जाम की स्थिति भी लगभग खत्म है, कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश की बहुत अच्छी है। और कभी 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की जब चर्चा कहीं आती थी, उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश से बाहर, तो उत्तर प्रदेश को दूसरे ढंग से लोग परिभाषित करते थे। आज उत्तर प्रदेश का जब जिक्र आता है तो देश का सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाने वाला प्रदेश की चर्चा होती है। आज बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश आ रहा है, उद्योगपति आ रहे हैं, जो उद्योगपति पलायन कर चुके थे उत्तर प्रदेश से। अच्छा, एक सवाल, राज्य मंत्री हैं आप,
राज्य मंत्रियों को लेकर है कि राज्य मंत्रियों को काम नहीं दिया गया, बहुत सारे राज्य मंत्री अपने जो कैबिनेट मंत्री हैं उनसे अपनी बातों को रख नहीं पा रहे हैं, उनको लेकर बगावत है, तो इस तरह की बातें क्या हैं? नहीं, हमारा मंत्रिपरिषद एक परिवार है, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और मेरे विभाग में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कैबिनेट मंत्री माननीय चौधरी साहब ने मुझे काम भी दिया हुआ है और पूरी तरह से हम लोग मिलके दोनों भाई मिलकर के काम कर रहे हैं आप जी। तो पूरे प्रदेश में अगर हम बात करें आपके अपने विभाग के लिहाज से, तो ऐसी कौन सी नई योजना है जो किसानों के लिए, ग्रामीणों के लिए आप लोग लेकर आ रहे हैं, जो आप लोगों ने प्रस्तावित की हुई है, अपना पूरा दिमाग लगाया हुआ है? देखिए, चाहे डॉक्टर हो उसके पास डॉक्टरी का प्रमाण पत्र होता, सोसाइटी किसान की सोसाइटियां हैं, जो गन्ने की सोसाइटियां होती है वो किसान की सोसाइटियां हैं। किसान को ये नहीं पता था उनको कि हमारा इसमें कितना अंश है। हमने उत्तर प्रदेश के किसानों, गन्ना किसानों के लिए अंश प्रमाण पत्र वितरण किया और 45 लाख गन्ना किसानों को हमने 100 दिन में अंश प्रमाण पत्र दिया। आज उनको लगता है कि ये गन्ने की सोसाइटी मेरी है, ये चीनी मिल मेरी है। तो कोई नई चीज बताइए जो ये नई चीज तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहली बार हुआ प्रदेश में। अच्छा। गन्ना किसानों को जो हम लोगों ने अंश प्रमाण पत्र दिया, गन्ने की नई हम लोग टेक्नोलॉजी लेके आए, हम लोगों ने समूह, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लोगों को रोजगार देने का भी काम किया और उनसे गन्ने की बट जो उसका पेड़ गन्ने का पौधा है, उस पौधे को बट उसकी बना करके और गन्ने किसानों को देने का काम भी किया है। और हमारे पिछले कार्यकाल में 2017 से लेकर 22 एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।